उनके उपदेश की मैं एक उपदेश की एक बात जो सबके सामने मैं शेयर करूंगा, वो ऐसा है। एक बार हमारे पड़ोस में हमारे मेरे साथ ही मकान के साथ ही एक आदमी जिसकी मकान है, तो एक बार क्या हुआ कि हम कोई बजरी वगैरह अंदर ले जा रहे थे, तो हमारे जो आंगन था उसकी तरफ रास्ता नहीं था कोई भी, तो उसके मकान के साथ थोड़ा लग के जाना पड़ता था खच्चर वालों को। तो एक दो बार तो गए, वो बाद में वो बड़े नाराज़ हुए, बहुत गालियाँ दी उन्होंने, बहुत गालियाँ दी और कई किस्म का भला बुरा मुझे कहा, हम सबको कहा। तो वास्तव में वो जो जगह थी वो हमने ही उनको दी थी, हमने ही उनको बसाया था उस जगह पे, अब उनका कब्जा लग गया वहाँ पर। तो दिल में इतना दुख हुआ कि देखो हमने ही इनको यहाँ बसाया है, अब इनके नाम जरूर हो गई ये जगह, लेकिन आप देखो ये किस तरह की बातें हमें कर रहे हैं। तो इतना दुख हुआ कि सारा दिन मैं मायूस रहा, और शाम को जब मैं वापस आ रहा था काम से तो यही सोच के चला हुआ था कि देखो कितना दुख है मुझे, इतना दुख है। तो दुख ऐसा सोचते सोचते मुझे आत्मा की बात याद आ गई कि देखो मैं तो आत्मा हूँ यार, मुझे तो ना सुख लगेगा ना दुख लगेगा, ये दुख तो क्यों इतना बोझा उठाई लिए फिरता है। तो ऐसा ज्ञान करते 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 मुझे बिल्कुल ही हल्का हो गया, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और इतना शांत हो गया कि दोबारा वो मुझे बात आई नहीं। और घर जाके भी मैंने उनको बताया कि देखो आत्मा है, हम आत्मा है, तो आत्मा को क्या चीज़ लगेगी, क्यों इतना दुख होता है, एक मिनट बाद तो खत्म हो जाएगा, तो फिर भी तू क्यों करता है इतना दुख। तो आपके उपदेश का हमें इतना बल मिलता है कि मैं यहाँ पर कोई वर्णन नहीं कर सकता जो हमें अंदर से खुशी होती है, और जो उपदेश मिलता है हमें उसका जो असर होता है। जय सच्चिदानंद। और टीवी वाले निरुमा इतना काम करती है तो प्रत्यक्ष कितना करेगी। हाँ इतना जरूर है कि टीवी वाले निरुमा हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है, लेकिन ये नहीं पहुंचती। हम पिछले साल आए थे बद्री केदारनाथ की यात्रा की थी, हरिद्वार वगैरह थे। हाँ बोलिए। निरुमा प्रणाम। मछली के लिए पानी जीवन का सहारा है, मनुष्य के लिए जीवन का क्या सहारा है? ऐसा है, अज्ञान दशा में मनुष्य का सहारा अहंकार है, अहंकार के सहारे में ही वह जी रहा है। अगर अहंकार जीरो खत्म हो जाता है अज्ञान दशा में तो आदमी जी नहीं सकता है, आत्महत्या कर देगा। और ज्ञान दशा में अगर अहंकार जीरो हो गया तो मोक्ष हो जाता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। ज्ञान प्राप्ति में फिर अहंकार का सहारा नहीं रहता है, सहारा फिर आत्मज्ञान का रहता है, आत्मा का रहता है। फिर वह जीवन जीवन नहीं रहता है, वह जीवन सफल हो जाता है, अनंत जन्मों का साफल्य उस जन्म में आ जाता है जब आत्मा प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? निरुमा भगवान, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हमको भगवान मत कहिए, भगवान नहीं, हम तो माँ है सबकी, भगवान तो भगवान है, बहुत ऊपर है। पूज्य निरुमा, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 24 तीर्थंकरों का होना सिद्ध किया है। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी इस समय महाविदेश क्षेत्र में विराजित है, क्या उपग्रह द्वारा ज्ञात हो सकता है, जैसे हम टीवी पर आपको देख सकते हैं? नहीं हो सकता है, वह सामान्य तो क्या बड़े बड़े ज्ञानी संतों को भी नहीं हो सकता है। बहुत अब इस काल में अपवाद रूप ज्ञानी होते हैं, जैसे दादा हो चुके, कुंद कुंद आचार्य हो गए, उन जैसे
सूक्ष्म शरीर से वहाँ तक पहुँच सकते थे महाविद्य क्षेत्र में जहाँ सिमंदर स्वामी विराजमान है। प्रत्यक्ष शरीरधारी यही नामधारी है। और दादाजी को तो ये जो ज्ञान आपको मिलता है हमारे जरिए, दादाजी का ज्ञान, वो ज्ञान उनको भी श्री सिमंदर स्वामी के पास से ही मिला था, वहाँ से जाकर ले आए थे सूक्ष्म शरीर से। उसको आहारक शरीर कहते हैं। वो बहुत अपवाद है, हो नहीं सकता है, लेकिन हो गया इस काल में। लोगों को मानना भी शक्य नहीं लगेगा और किसी के लिए बस की बात नहीं है। महावीर भगवान ने इनका सारा वर्णन किया हुआ है, सिमंदर स्वामी भगवान का। कुंदाचार्य जी ने भी किया है, दादा ने भी किया है, बहुत सारे ज्ञानियों ने किया है, लेकिन इन्होंने तो प्रत्यक्ष अनुभव करके, वहाँ जाकर अनुभव करके कहा है। हाँ, हम ज्ञान को पकड़ो, आज्ञा को पकड़ो और उनकी भक्ति आराधना करो, ऑटोमेटिक सब समय आएगा, वो स्टेज में जाएंगे तो सब मिल जाएगा। निरुमा, ये बंधे हुए कर्मों का फल हमें कहाँ जाके भुगतना पड़ता है? जाना बिना कुछ नहीं है। कोई भी कर्म रहा, कोई भी चीज जो घटना होती है, कर्म का फल होता है, वो जो रूपक में हमको दिखता है, अनुभव में आता है, वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सारी चार चीज़ों का उसके अंदर मिश्रण होता है। चार चीज़ मिलती है तब होता है, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो क्षेत्र का भी उसका एक एविडेंस है, वो मिलता है वहाँ, उसको जाना, जाकर भुगतना पड़ता है। हमारे कर्मों की निर्जरा शीघ्र हो जाए ताकि हमारा आत्मा का कल्याण हो, इसके लिए हमें क्या करें? जितने आज्ञा में रहोगे ज्ञान लेने के बाद, उतना ही जल्दी आपका, आपके कर्मों की निर्जरा होगी। आज्ञा में आप थोड़ा कम ज़्यादा रहोगे, आज्ञा मिस करोगे तो उतना पेंडिंग रहेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्षितिज गोरसिया, राजकोट। मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, कर्ज बहुत हो गया है, आत्महत्या के ख्याल आते हैं, कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा लगता है। मास से डिप्रेशन है, मुझे पहले जैसे रिलैक्स होना है। अभी जो आप, आपके बिजनेस में जो लॉस हो गई सो हो गई, उससे क्या अभी आप डिप्रेशन में जाओगे या इससे और कुछ बिगाड़, इससे कुछ फायदा थोड़ी होगा, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऊपर से आप दूसरी लॉस आपके, आपके खुद के शरीर की मेंटल स्थिति की ले लोगे जी, तो उसको एक्सेप्ट करो। जो कोशिश बहुत करता हूँ, पांच आज्ञा में रहने के भी कोशिश करता हूँ, पर व्यवस्था सर के ऊपर चढ़ जाता है और भोगवटा बहुत आता है उसके पीछे। उसको व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, जो भी हुआ सो व्यवस्थित है, इतनी आज्ञा पकड़ो और दादा भगवान ना असीम जय जयकारो, रोज एक घंटा जोर जोर से, जितना जोर से बोला बोल सको बोलो। वो सब करता हूँ मैं। मैं खास आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप तो आने 10वीं दादाजी ने बोला है कि अगर आपके मन में बहुत विचार आ रहे हैं तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको एक पट्टा दूंगा। तो मैं खास इसके लिए आपके पास आया हूँ कि क्या ऐसा कुछ आप मुझे दे सकती हो या ऐसा कुछ कर सकते हैं? माँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं, पर आपकी बात जब सुनी थी कि भाई आत्महत्या से तो फिर 7 जन्म और लेने पड़ते हैं, तो वो सब ख्याल तो निकाल दिया, पर अभी कुछ सेट नहीं हो सकता।
हाँ अभी दो तीन तीन दिन रहो यहाँ पर, परसों ज्ञान दोबारा लो, जी आपको हम आशीर्वाद देंगे, जी और तब तक रोज एक घंटा दादा भगवान असीम जी जे करो बोलो, सुबह शाम आधा आधा घंटा वॉक करो, ये सब मेंटली निकाल दो, रिलैक्स हो जाओ क्या जी। जो भी होगा दादा आपको सौंप दिया। दादा कहते हैं ना आप रोज इतना 5 बार बोलो, कहे दादा आपकी 5 आ गया मेरे सर पर और मेरे संसार का भार आपके सर पर जी, ऐसे बोलो धमधमा के 5 बार 10 बार, बहुत विचार आए तो बार बार बोलो कि दादा मेरे संसार का भार आपके सर पर और आपके 5 आ गया मेरे सर पर। पर निरुमा सब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सब ख्याल तो मन के ऊपर चढ़ ही आते हैं, और ऐसा लगता है जैसे भाई मेरा मेरा सब एबिलिटी चला गया, मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, मुझ में कुछ शक्ति नहीं है, जो 15 साल से काम किया है वो भी मैं भूल गया, मैंने कैसे ये सब काम किया, कैसे मैंने कमाई की, वो सब निकल गया है। वो सब आएगा जी, हौले हौले सब वापिस आ जाएगा जी। जय सच्चिदानंद, जय किरीट भाई बापूनगर इंडिया कॉलोनी। मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से बातचीत करना चाहता हूँ, वे कैसे की जाएगी? ऐसा है, ये सब सूक्ष्म चीजें है, ये कुछ बातें चीत ऐसी स्थूल बात नहीं होती है। आप परमात्मा ने कोई व्यक्ति समझते हो कि जो हमारे साथ बात में पिक्चर में मूवी में आता है ना, ऊपर से आ जाते हैं 4 हाथ वाले भगवान, आते गदा शंख लेकर चक्र लेकर आते हैं और बात करने लग जाते हैं, ये सब कल्पनाएं हैं, ऐसा कोई परमात्मा बात करने वाला नहीं है। आपका आत्मा वही खुद परमात्मा है, कोई दूसरा तीसरा ऊपर नहीं है। पहले आपको यही ख्याल में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, फिर आपके जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तभी आप, एक भी कर्म बाकी नहीं रहेगा तभी आप परमात्मा हो, और जब परमात्मा पद प्राप्त होता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। समझ में आया ना? तो पहले आप आत्मा रूप हो जाओ, फिर आत्मा और किरीट के बीच में बात शुरू होती है। समझ में आया ना? आप जो कल्पना करते कि ऊपर कोई भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है और आप बातचीत करें, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर कोई है ही नहीं, हमें है जो उसको ही है, अंदर ही है, आत्मवत् सर्वभूतेषु वही है सबके अंदर, बाकी तो सब कल्पना है। समझ में आया? ज्ञान लेने के बाद आपको आत्मा हूँ ऐसा ख्याल आएगा मैं, फिर आपका किरीट का और आत्मा का वार्तालाप शुरू होगा। किरीट उल्टे रास्ते पे जाएगा तो अंदर से ही आपको सच्चा रास्ता बताएगा आपका आत्मा। नारायण भाई मोटेरा, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे अक्रम मार्ग बाबत कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे विस्तार में दादा भगवान के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। मोढेरा नारायण भाई, आपके विस्तार में टीवी तो आती है ना, दूरदर्शन आती है, दिल्ली दूरदर्शन, अहमदाबाद गुजरात दूरदर्शन आती, तो उसमें तो आता है हमारा रोज सुबह में, दोपहर में, सुबह में 8:30 से 9, दोपहर में 3:30 से 4, तो लोगों को बोलना ये टाइम जरा देखो आप निकाल टीवी खोल के दूरदर्शन, तो आपको मैं तो रेगुलर देखता हूँ लेकिन लोग नहीं जानते। हाँ तो आपके जितने फ्रेंड सर्कल है, पहचान के रिश्तेदार है, उन सबको बताओ कि जरा देखो, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे बढ़ो। हाँ आप अक्रम मार्ग की बात बताई ना अभी, हिमाचल प्रदेश वाले भाई के, ये के भी क्रम भ्रम नहीं है, ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान मिलेगा आपको परसों 2 घंटे में, तो उससे आपको आपके आत्मा की पहचान होगी। आत्मा की पहचान का रास्ता शॉर्टकट है ये, नहीं तो कितने जन्मों जन्म तक आपको
स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते 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 जाना, तब कभी करोड़ों जन्म के बाद आत्मा की पहचान होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब छोड़ना पड़ता है। संसार के सब, बीबी, बच्चे, घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब छोड़ते छोड़ते जाओगे तब आत्मा प्राप्त होगा। और यहाँ तो कुछ छोड़ने का नहीं, डायरेक्ट पहले ही मिल जाता है ज्ञान से, तो उसे अकर्म मार कहते हैं। तो वो परसों आपको मिल जाएगा। कुसुम उपाध्याय, गांधीनगर। माँ, मुझे क्रोध बहुत आता है। मैं हमेशा प्रतिक्रमण करती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाती हूँ। माँ, ऐसा क्यों होता है? जय सच्चिदानंद। बच्चों पे क्रोध आता है जी? क्रोध किस पर आता है? घर में माँ, कभी अपने हस्बैंड पे, कभी बच्चों पे। और आता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं बोलना शुरू करती हूँ तो फिर मन करता है खूब बोलती जाऊँ। इतना गुस्सा आता है ना, फिर खाना बनाती हूँ ना कुछ, बहुत टेंशन होती है। और बाद में माँ, जब मेरा गुस्सा ठंडा होता है, फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक दो दिन, तीन दिन तक मैं ये रियलाइज़ करती रहती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर कोई अगर बात हो जाती है, कोई जो मुझे नहीं पसंद होती, तो फिर से वही ऐसा टेंशन मुझे होने लगता है। ऐसा क्यों है मैम? मैं चाहती हूँ, मैं दादा भगवान की एक बुक ले गई थी यहाँ पे, भुगते उसी की भूल, ये मैंने पूरी बुक पढ़ रखी है। और बार बार मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वाकई में ये जो भी हमारे साथ हमारे जीवन में हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है जो पिछले जन्म में हमने किया था। लेकिन फिर भी माँ, कुछ समय तक ऐसा सोचती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर वही गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं। ऐसा क्यों है माँ? ऐसा क्यों? तो ये आप जो कुछ होता है ना, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकती है जी माँ। आप अपने पसंद की चीज़ है उसको ही एक्सेप्ट करती है, नापसंद की हो गई तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकती है जी। सब दोनों में समान रहना चाहिए क्या? हर बार आपने ही पसंद की चीज़ थोड़ी होगी जी। कई अभी आपके पति है या बच्चे हैं, कभी तो भी कभी ऐसा होता है कि वो, उनको भी तो फील होता होगा कि कभी कभी आप नापसंद की चीज़ करती होगी। अभी यही बताया कि आप क्रोध करती हैं बच्चों पे, पति पे, उनको थोड़ी पसंद है जी माँ। कभी कभी तो भी उनको बहुत गुस्सा होता है। उनको नापसंद चीज़ करती हो तो फिर वो क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं बच्चे? बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कभी कभी ये भी बहुत, मतलब कभी शांत रहते हैं, लेकिन अब उन्हें भी बहुत गुस्सा आने लगा है मेरे हरकतों पे। फिर आमने सामने झगड़ा होते जाएगा, फिर मारपीट होगी जी। नहीं, बेटर क्या, उससे बेटर ये करो जी माँ, जो भी हुआ सो, कोई भी घटना हुई उसको एक्सेप्ट करते जाओ। करेक्ट है, जो भी हुआ सो न्याय जी माँ, हुआ सो न्याय। यह सूत्र आपके जीवन में अपनाते जाओ। जो भी बच्चे कोई भी करते हैं या पति भी कुछ करते हैं, तो जो न्याय ही है, गलत है ऐसा मत सोचो। एक बार हो गई घटना, हो गई, फिर उसमें क्या आप फर्क करने वाले हैं? कुछ नहीं हो सकता है। एक्सेप्ट करो तो आपको क्रोध कम हो जाएगा, और फिर प्रतिक्रमण करो कि ये मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरी क्यों पकड़ है, मेरा ही अहंकार है इसलिए ये मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो उससे छूटने का प्रयत्न करो क्या जी। और ज्ञान लेने के बाद काफ़ी आपको शांति हो जाएगी। अच्छा माँ, मैं परसों आ रही हूँ ज्ञान लेने के लिए। परसों आओ, कल भी सत्संग है, कल भी आओ जी माँ। गोविंद, आनंद, आनंद गोविंद। क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें माया के बारे में जानने की इच्छा है। माया यानी छल, कपट, मोह, ममता, ये सब माया में जाता है क्या? यह होता है, हर हर किसी में होता है, कम होता है किसी में, ज़्यादा होता है। माया किसी में ज़्यादा है, किसी में कम होती है। और कहते भगवान की माया, भगवान की माया, वो शब्द किसी और चीज़ के लिए कहा जाता है। वह अपने आत्मा की अज्ञानता, स्वरूप की अज्ञानता, सेल्फ इग्नोरेंस को माया कहा जाता है।
और क्रोधमान माया लोक में जो माया आती है उसे कपट मोह छल उसे कहते हैं। कपट यानी जैसा है वैसा हम नहीं कहते लेकिन दूसरी और दूसरी तरीके से कहते हैं, बनावट करके झूठ कह के, समझ में। पूज्य निरुमा, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। हाँ पूछो। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये कि है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी एडजस्ट नहीं हो पाती हूँ। उसकी वजह क्या है? कभी झगड़ा होता है, कभी ऐसे मतलब कि हाँ हमें मिल जाती है, पर कभी बहुत बार झगड़ा भी होता है। काहे को झगड़ा करती हो? न्यू स्टडीज के लिए बस, और कुछ नहीं होता है। किसी की गलतियाँ मत देखो, सबके साथ जिसको जो करना है करो, हम उसकी उसकी गलतियाँ देखना बंद करो तो ऑटोमेटिक झगड़े बंद हो जाएंगे। ये गलत करता है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये गलत है, ये सब देखना बंद कर दो। जो करता है अपना अपने हिसाब से, कर्म के हिसाब से करता है, अपन अपना करो, उनको उनका करने दो। हम हमारा खुद का देखो, हम कितने सीधे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर दिख गई किसी की गलती दिख गई तो फिर प्रतिक्रमण करना शुरू, प्रतिक्रमण करो। क्या प्रतिक्रमण करती हो कि नहीं करती हो? नहीं, अभी ज्ञान विधि तो नहीं लिए, लेने का विचार तो है। हाँ तो ज्ञान ले लो, फिर प्रतिक्रमण करना शुरू कर दो जोर जोर से। ठीक है। अपनी सहेलियों के अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो कि उसके लिए क्या क्या गलत सोचा है, उसके लिए क्या क्या गलत बोला, झगड़ा किया, सबकी माफ़ी मांगती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा मन में माफ़ी मांगते रहना। क्या तो उससे आपका सब साफ हो जाएगा।